बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद विश। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल आलू बुखारे की चटनी। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें डालने हैं इसे बनाने के लिए। ये देख लीजिए आप सब लोग, ये मैंने एक पैन लिया है और ये 250 ग्राम आलू बुखारे थे जो मैंने 2 कप पानी में 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। इसे हम इसके अंदर डालेंगे और इसी पानी में हमने इसे पकाना है। इस पानी को वेस्ट नहीं करना। मेरी वीडियोस को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जी। और ये इसमें मैं 1 गिलास पानी का और शामिल कर दूंगी। अब हमने इसे 8 से 10 मिनट तक पकाना है। ये देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून सॉल्ट है ये डाल देंगे और ये 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है ये डाल देंगे इसमें। तेज़ आंच पे पकाना है इस स्टेज पे हमने इसे। और ये 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली है ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े की बनती है ये, बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी रमज़ान के हवाले से। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं ये। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून विनीगर डाल देंगे और ये 1 कप शुगर है ये डालेंगे इसमें। बहुत ही खट्टी मीठी बनती है ये चटनी, बहुत ही मज़े की है ये रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। जी ये देखिए शुगर जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारी चटनी जो है वो बस थिक हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ये 2 टेबलस्पून चारी मगज़ हैं वो डाल देंगे। हमने इसे अच्छे से गाढ़ा करना है, 20 से 25 मिनट लगते हैं इसे बनने में। मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है और ये देखिए ये थिक हो गई है, बिल्कुल रेडी है ये सॉस। इसे डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट। जी हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। जी ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आज आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।